स्वागत एक बार फिर से आपका कम्युनिटी राउंडअप में। और अब बात करेंगे मेटल्स की, जहाँ पे काफ़ी नरमी देखने को मिल रही, चाहे वो कॉपर हो, टिन हो, जिंक हो, ये सारे 5 से 6 महीने के निचले स्तरों पर चल रहे हैं। लेकिन केवल 1 महीने का प्राइस अपडेट अगर आपको मैं बताऊँ तो कॉपर में 13-14% की नरमी आ चुकी है, स्टील 11% गिर चुका है, आयरन ओर 9%, लेड 8%, एल्यूमिनियम 7%, टिन 12%, जिंक 9%। इस तरह की वीकनेस देखने को मिल रही। एक समय ऐसा भी था कुछ महीने पहले कॉपर न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिख रहा था। क्या वजह है इन नरमी की और क्यों लगातार नीचे आ रहे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं इनके चार्ट के निशांत कुमार। निशांत जी नमस्कार, और ये बताइए ये इतनी नरमी क्यों आ रही है कॉपर में? गुड आफ्टरनून नीरज जी। अगर हम बात करें नीएसएस से, अभी तक काफी करेक्शन देखने को मिली है। जैसे आपने भी बताया कि काफी डिक्लाइन आया 15 से 20% अक्रॉस द बोर्ड। मगर उससे पहले अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो सब मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी आई थी। तो हम अप्रैल मई के महीने तक काफी ओवरबॉट लेवल्स में पहुंच गए थे। तो अगर हम चार्ट्स पे देखें तो काफी ओवरबॉट जोन में थे सारे बेस मेटल्स। तो थोड़ा सा पुल बैक नेचुरल था, बट हाँ उसमें काफी थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। तो वो थोड़ा चिंता की बात रही है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए भी। तो मेरा मानना है थोड़ा सा चाइना से नेगेटिव न्यूज आ रही थी या इतनी पॉजिटिव न्यूज नहीं थी, उसका भी बेस मेटल्स के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड इतने अच्छा न्यूज नहीं आ रही थी अक्रॉस फ्रॉम द वर्ल्ड। तो बेस मेटल्स थोड़ा सा करेक्शन, जो हमने तेजी पहले बनती देखी थी, चाइना में पॉलिसी डिसीजन थोड़े फेवरेबल हो रहे थे, रेट्स थोड़े रिड्यूस हो रहे थे, उसकी वजह से सपोर्ट मिल रहा था, बट वो मार्केट ने डाइजेस्ट किया और फिर थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है। बट अभी अगर अभी की हम बात करें तो अच्छे लेवल्स हैं यहाँ पे मार्केट में, अच्छा सेटअप बन रहा है इधर। तो एक बॉटम इस्टेब्लिश हो रहा है इन सब मेटल्स में, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज है, बट मेरे ख्याल से द वर्स्ट इज ओवर। अच्छा, फंडामेंटल रीजन में मुझे ये भी समझना आपसे कि क्या जो रेट कट की संभावनाएं बन रही यूएस में, उसका कोई असर होगा? नीरज जी बिल्कुल पॉसिबल है, 25 बेसिस पॉइंट हो सकते हैं सितंबर FOMC में। तो एक वहां से भी मेटल्स को सहारा मिलने का चांसेस है। दूसरा जो मैं देखता हूँ, जापान के सेंट्रल बैंक ने जैसा एक्ट किया, रेट बढ़ाने की बातें हो रही है जापान में अब काफी सालों बाद, उससे डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो एक तरफ यूएस घटाने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ जापान बढ़ाने की बात कर रहा है, तो उससे डॉलर इंडेक्स पे प्रेशर आने की बिल्कुल संभावना है। और अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो आप उससे मेटल्स को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बताने के लिए। रवि और विकास जी, रवि जी बताइए भाई, कॉपर में आपकी टॉप ट्रेड क्या है इसमें? क्योंकि काफी अच्छे डेटा आने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि आज से लेके नेक्स्ट जब चाइना के मैक्रो आएंगे तब तक थोड़ा एक शॉर्ट कवरिंग का मूड बेस मेटल्स में रहेगा। मुझे लग रहा है कि वैसे जो करेक्शन था या करेक्टिव मूड था वो शायद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और शायद मार्केट सितंबर तक वेट भी नहीं करेगा पॉलिसी आने के बाद, मींस के वहां पे ट्रेड बने। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अपने बॉटम के काफी करीब है तो एक्युमुलेशन करना चाहिए। चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे ही मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो चाइना ड्रिवन फंडामेंटल पे दो बेस मेटल, आपने पहले कॉपर जो पॉइंट आउट किया था वही मेरी टॉप पिक रहेगी। कॉपर 777 पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 767, टारगेट वुड भी 790। एंड जो सेकंड पिक रहेगी वो है जिंक। जिंक में भी काफी अच्छी सपोर्ट दिख रही है एंड चाइना के रियल एस्टेट मार्केट के साथ काफी अच्छा कोरिलेशन है, मुझे लग रहा है वहां भी एक बाउंस दिखना चाहिए। 250-250 पे बाई करें, स्टॉप लॉस लगाए 250 का और 257 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। कॉपर और जिंक दो में आप कह रहे हैं कि बाइक की जा सकती है, यहाँ से ऊपर की तेजी देखने को मिलेगी। ओके रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो ये था हाल आज कमोडिटीज़ का, कॉपर का, अलग अलग कमोडिटीज़ का, जिंक का भी कॉल भी दी उन्होंने और कच्चे तेल का। तो रिया जी बता रहे हैं 75 से 80 की रेंज में घूमेगा, 80 से ऊपर जाए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, 75 नीचे जाए तो बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर से पलट के उसी रेंज के बीच में प्ले होगा अनलेस एंड अनटिल की कोई जियोपॉलिटिकल तस्वीर बदल ना जाए तब तक के लिए।